हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बात कर देखिए, 240 रुपया करंट प्राइस चल रहा है। इसकी बात करें मार्केट कैप की, 33,300 का मार्केट कैप है। और ये पावर सेक्टर का स्टॉक है, देखा है बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी एनालिसिस करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस की एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न की एनालिसिस और चार्ट की एनालिसिस करेंगे। उसके पहले चैनल पर न तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप 33,300 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 240 का है, 294 का हाई लगाया, 106 रुपए का लो लगाया है। बात करते हैं इसके आरओई की, 11.7% का आरओई, अच्छा खासा आरओई मान सकते हैं इसे। एवरेज आरओई 15 के ऊपर रहता है बहुत अच्छा माना जाता है, बट देखा है तो तकरीबन 12% का आरओई है, तो ठीक ठाक परसेंट इसकी आरओई मान सकते हैं। बात करते हैं इसको कुछ खास पॉइंट, खास पॉइंट क्या है। खास पॉइंट में देखा तो इसका जो डिविडेंड पे आउट दिया है, 25.4% का डिविडेंड पे आउट दिया है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर में आपको देखेंगे एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, अडानी ग्रीन, अडानी पावर है, टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, अच्छी अच्छी कंपनियां इसके कंप्यूटर में है। तो आगे चल के इसी लाइन में ये भी आके खड़ी हो सकती है। तो फिर तो चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ईयरली रिजल्ट की। ईयरली रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा 2013 से डाटा मिलेगा आपको। 2013 में देखा जाए तो इसका प्रॉफिट कितना, 1458 करोड़ का प्रॉफिट था। 2014 में 1502 करोड़ का। तो प्रॉफिट देखिए हर साल ग्रो किया, बट 2016 में एक बार प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था 68 करोड़ का, बट 2017 में 2457 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अभी देखा तो हर साल प्रॉफिटेबल रहा, तकरीबन 1500 के ऊपर प्रॉफिट रहा। 2024 मार्च का देखा जाए तो 2868 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखा है तो ईयरली प्रॉफिट बेस पे देखा है तो हर साल प्रॉफिटेबल रहा, इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, ये प्लस पॉइंट है। वही बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं, बैलेंस शीट में आपको देखने को मिला है 2013 में इक्विटी कैपिटल कितना था, 1678 करोड़ का। वही बात करते हैं अभी देखा जाए कितने हैं, 1387 करोड़ का। तो इक्विटी कैपिटल में गिरावट आई है, बट देखा तो 11272 करोड़ का जो इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस था, वो बढ़ के हुआ 15144 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। तो देखा तो इक्विटी कैपिटल थोड़ा सा डायल्यूट हुआ है, बट रिजर्व एंड सरप्लस मेक ओवर कर लिया है। तो देखा तो इसमें ये अच्छा प्लस पॉइंट है इसका, दोनों आप बैलेंस कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बारहवीं की बात करें तो 6414 करोड़ का जो बारहवीं था, वो 22415 करोड़ का हो चुका है। तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो बारहवीं इस पर कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसेट जो 23 करोड़ का एसेट था, 23 करोड़ का था एसेट, वो 54942 करोड़ का एसेट है इसके पास। अगर ये बारहवीं हुआ होता, एसेट ग्रो नहीं किया होता, तो हम इसको बारहवीं में लेते कि हाँ इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट इसके पास अभी ऐसे जितना बारहवीं लिया उतना ज्यादा एसेट ग्रो कर लिया है। तो देखा जाए तो इसमें ये इसके नेगेटिव पॉइंट में नहीं दे सकते हैं, तो अच्छा खासा इसका प्लस पॉइंट इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस सब चीज ठीक देखने को मिला। वही बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 72.20% है। एफ आई आई की हिस्सेदारी कितनी है, 2.39% है। डी आई आई की हिस्सेदारी देखिए 13.38% है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 4.31% है। इन तीनों की हिस्सेदारी मिला के आप देखते हैं तो तकरीबन 93% की हिस्सेदारी इन चारों की हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही प्लस पॉइंट है, इसके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मायने रखता है, क्योंकि ये चार मिल के 93% का इसमें शेयर होल्डिंग एक्वायर किए हैं। तो देखा है तो इसमें ये बहुत अच्छा खासा प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है, चार्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे एंट्री कब लेना, एग्जिट कब करना। उसके पहले चैनल पे ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चार्ट में आप देख सकते हैं ये बहुत दिन से ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जाने के बाद एक बार हाई लगाया बट सस्टेन नहीं किया, नीचे चला आया। तो ये जो एरिया है 260 का, इसी के नीचे बार बार ट्रेड कर रहा है। जैसे ये क्रॉस करता है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, बट इसका रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये 300 के करीब में एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये 200 डेज मूविंग एवरेज का होना चाहिए, तकरीबन 200 पे आकर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, बट देखा है थोड़ा सा नीचे आने जी आता है तो आप यहाँ पे 220 के करीब में एंट्री ले सकते हैं। बट जब तक ये 260 क्रॉस नहीं करता या 260 के ऊपर जाता नहीं है तब तक आप उसमें एंट्री मत बनाइए। 260 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट 295 का रखेंगे।
और जैसे 300 क्रॉस करता फिर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखा है बहुत ही अच्छा शेयर है, इसमें लॉन्ग टर्म देखा है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको। तो इसमें इतना ही मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।